हुई थी। अविनाश, यहां पर कोई स्टॉक जो आने वाले समय के लिए बेहतर पकड़ बना सकता है और पूरा का पूरा जिस समय ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं फोकस में, उसमें ऑटो एंसरी प्ले कैसे होगा? क्या इन कंपनियों के लिए बेनिफिट है गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन, या फिर आप मानते हैं यहां पर ये जो वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर रहे इन कंपनियों को? नहीं, मुझे लग रहा है कि रजत सिलेक्टिवली और जहाँ पे भी एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है और क्लियरली जहाँ पे बड़े ओईएम कस्टमर्स स्पेशली पैसेंजर कार स्पेस में और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में इन कंपनीज़ के पास है, ऐसी कंपनीज डेफिनेटली अच्छा करेंगी इसमें। क्लियरली अगर हम यूकाल फ्यूल की बात करें तो यूकाल फ्यूल मारुति को एक टायर वन सप्लायर है, ये इनको कार्बोरेटर और फ्यूल पम्प सप्लाई करता है और प्राइसिंग और वैल्यूएशन भी काफ़ी सस्ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक मिड कैप काउंटर है जो अभी भी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रखता है। अगर लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो क्लियरली भारत फॉर्ज जैसी कंपनी है जो डोमेस्टिक सीवी स्पेस में काफ़ी बड़ी प्लेयर है लेकिन यूएस मार्केट्स में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक वन हैज टू बी स्टॉक्स सिलेक्टिव, बट क्लियरली मेरे ख्याल से ये सेक्टर आगे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की क्षमता रखता है।